देवराज सोधर्मिंद्र एरावत हाथी पर आरूढ़ राय के घर आंगन देवराज सोधर्मिंद्र सचिन रानी ने भी बधाई की। बधाई के बीच में ही देवराज सोधर्मिंद्र सचिन रानी एक तरफ निकल जाते, इधर बधाइयां हो रही होती हैं, उधर तो कुछ और ही वार्तालाप चल रहा सची और देवराज के बीच। आइए क्या आपस में बातें कर रहे हैं हम ध्यान से सुनेंगे। हे स्वामी, हम बातें ही करते रहेंगे या तीर्थंकर पालक के दर्शन करने भी चलेंगे? सच कह रही हो सची? हेलो हेलो हेलो, तेज करवाओ भैया, इसकी भी आवाज बढ़ा दो भैया, आवाज बाहर से बंद है इसी में काम चलाओ। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो हेलो। हाँ सची, आप सत्य कह रही हो, हम अति शीघ्र चलते हैं, तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं। मेरा मन तो ऐसे लग रहा है कब तीर्थंकर भगवान के दर्शन होंगे। और इतना भाव विभोर हो जाता देवराज सोधर्मिंद्र के सचिंद्रणी को ऐसे ही खड़ा छोड़ देते हैं और जल्दी बढ़ देते हैं। देवराज सोधर्मिंद्र प्रसूति ग्रह की ओर बढ़ने लगते हैं, चले जा रहे होते हैं। देवराज बड़े आ रहे हैं, तभी एक क्या प्रसूति ग्रह के मुख्य द्वार पर मैं तीर्थंकर बालक को लेने जा रहा हूँ। अरे आप कौन हैं? मैं सोधर्म इंद्र हूँ, मुझे नहीं पहचानते आप? आहा, आप कोई भी हो, वहाँ नहीं जा सकते। अच्छा देवी हो, हमने ही तुम्हें नियुक्त किया और हमें ही मना कर रही हो। हे देवराज, आपकी ही आज्ञा का पालन कर रही हूँ। आपने तो कहा था प्रसूति ग्रह में पुरुषों का जाना वर्जित होता है। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। और माथे पर हाथ रखकर देवराज सोधर्मिंद्र पछताते हैं कि ये मैं भावुकता बस क्या कर बैठा। आकर अपने आप को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि सची धन हैरी तू, जो तीर्थंकर प्रभु के तुझे पहले दर्शन करने को मिलेंगे। वाह वाह सची, वाह वाह, अब जा जल्दी से जा और तीर्थंकर बालक को लेकर आ। देवराज सोधर्मिंद्र कहते हैं तो सची कह उठती है, नाथ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं तीर्थंकर बालक को लेकर आओ? नहीं नहीं स्वामी, ये मुझसे नहीं होगा। किसी बालक को उसकी माँ से कैसे जुदा कर सकते हैं? अभी के जन्मे नवजात शिशु को कैसे लेके आऊं? नहीं नहीं नाथ, मुझसे नहीं होगा ये। हमने देखा है एक माँ। सचिंद्रणी कहती है नाथ मुझसे ये नहीं होगा, अभी अभी का जन्मा नवजात शिशु माँ की गोद से माँ के पास से ले आऊंगी तो माँ तो तड़प उठेगी। अरे एक गाय के पास से अगर उसका बछड़ा बिछड़ जाए तो गाय तड़फ जाती है, फिर तो ये साक्षात तीर्थंकर की माँ है, संवेदनाओं की भरी है। नहीं नहीं नाथ, ये मुझसे नहीं होगा। तो देवराज कह उठते हैं कि सची तू सत्य कह रही है, पर मेरी बात भी तो ध्यान से सुन। हे सची, तू सत्य कह रही है, पर एक काम कर, तू अपनी माया से एक मायावी बालक का निर्माण कर और माँ को सुख निद्रा में सुलाकर तीर्थंकर बालक को ले आ। सुख निद्रा में सुला, पास में रख जिन बालक ले आ, जिन बालक ले आ। हाँ नाथ, ये तो मैं कर सकती हूँ, अपनी माया से एक सुंदर बालक का निर्माण करती हूँ। और देखिएगा सचिंद्रानी अपनी माया फैला रही है, पता कितनी शक्तिशाली होती है सचिंद्रानी।
अगर मुट्ठी में हीरा मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात ऐसे मुट्ठी में ले ले, सबसे सबसे कठोर होता है हीरा, लेकिन जब सची इंद्राणी ऐसे मुट्ठी मसल दे तो चूर्ण बन जाता है, रत्न धूली बन जाती है। अनेक शक्तियों की धारा खोती है सची इंद्राणी, कहती अपने माया जाल से अभी बनाती हूँ माया मई बालक, और माया जाल फैला रही है सची। होले होले माया जाल फैला रही है सची इंद्राणी, और किस तरह से माया मई बालक का निर्माण कर रही है। आहा, अरे जोरदार ताली बजाओ। होले होले देवराज कहते वाह सची वाह, तूने तो हूबहू कितने सुंदर बालक का निर्माण कर दिया, धन्य है तेरी माया। और धीरे धीरे पगों को रखती हुई चल देती वह प्रसूति गृह की ओर माया मई बालक को लेकर। धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाले मिट्टी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाले इंद्राणी, आज मिला है अवसर हमको श्री जी के दर्शन करने का, तीर्थंकर का पहला दर्शन करके मैं भाग्य जगाऊंगी। धीरे धीरे पगला धरती छम छम चाले इंद्राणी। छम छम कर संकेतों का पालन करें, सीखता से अंदर प्रवेश करें। यहाँ विलंब हो जाता 81 खंड का महल है, सचिंद्राणी गई है धीरे धीरे सने सने पहुंच जाती वहां पावन पुनीत स्थल की ओर। यहां देवराज सौधर्मिंद्र आकुल व्याकुल हैं, अब तक सची नहीं आए, और उधर सची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के दर्शन हो गए हैं। हो मन में अनेको भाव बनाए मन मुस्काई इंद्राणी, इधर दर्शन तो हो गए सची को पर आप पलक बिना पलक झपके हुए निहार रही है, देख रही है, देखते जा रही है। इच्छा क्या होती है ये कोई आज सौधर्म इंद्र से पूछे। सौधर्म इंद्र अधीर हो रहा है कि इंद्राणी इतनी देर क्यों लगा रही है। उसका एक एक पल सदियों की तरह बीत रहा है। आइए देवराज आइए, आप कह रहे थे ना इंद्राणी, आपकी इंद्राणी मिल गई, देखिए वो आ रही है आपकी इंद्राणी। अरे लोकपाल वो नहीं है मेरी इंद्राणी, मेरी इंद्राणी को तो मैं अपने आप पहचान लूंगा, वह तो चंद्रमुखी है। ओ देवराज जी आपकी इंद्राणी चंद्रमुखी की तरह है, हाँ तो वो तो नहीं है। आइए इधर, अरे इधर उधर वह देख रहे हैं, इधर उधर वो देख रहे हैं, मन में सौधर्म सोच रहे हैं कहाँ गई मेरी इंद्राणी। मिल गई मिल गई मिल गई, आप कह रहे थे ना। देखिए यद्यपि सौधर्म इंद्र को पता है इंद्राणी कहाँ गई है और किस दरवाजे से निकल कर आएगी, लेकिन अधीरता इतनी बढ़ गई है, जिन रास्तों से इंद्राणी को नहीं आना है वो उस तरफ भी देख रहा कहीं इधर से ना आ जाए। व्याकुल होकर देख रहे हैं कब आएगी इंद्राणी, इतनी देर लगाई क्यों है, इतनी देर लगाई क्यों है, अब तक ना आई इंद्राणी। मिल गई देवराजी, आपने कहा था ना आपकी इंद्राणी लाखों करोड़ों में एक है, दूर से पहचान जाऊंगा क्योंकि वह चंद्रमुखी की तरह दिखती है, तो देखिए वो भी तो चंद्रमुखी है, कहीं वो तो नहीं। नहीं लोकपाल वो मेरी इंद्राणी नहीं है, माना वे चंद्रमुखी है मगर मेरी इंद्राणी तो छम छम करते आए। और तभी मीठी मीठी पायल की आवाज सुनाई पड़ती तो देवराज पहचान जाते हैं, देखो वो आ रही है मेरी इंद्राणी, मैं पायल की आवाज से पहचान गया वो आ रही है।
और उधर से छम छम धीरे धीरे पग धरते हुए सचिन द्राणी चली आ रही है। ओ माया मई निद्रा को बुला कर माँ को सुलाई इंद्राणी, माया मई बालक को रख कर, माया मई बालक को रख कर श्री जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाली इंद्राणी। और उधर इंद्राणी ने जैसे ही जिन बालक को हाथ में लिया वो देखते ही रह गई, अपलक निहारने लगी। ऐसा निहारा कि उस महान पुण्य का संचय कर लिया, जो पुण्य उसको आगामी भव में मोक्ष ले जाएगा। जय हो जय हो जय हो। धीरे धीरे प्रभु को निरखती मन मुस्काती सभी लोग धन्य प्रभु हो त्रिभुवन स्वामी, कितने सुंदर नाथ रे, कितने सुंदर श्री जी लाई तारण तरण सहाय। दे दो, मेरा तो मन प्रभु के दर्शन करने के लिए तरस रहा है, जल्दी से दे दो सची, दे दो सची, जल्दी से दे दो प्रभु के दर्शन के लिए, मेरा मन तो व्याकुल हो रहा है। हे सची जल्दी से शीघ्र मुझे तीन लोक के नाथ के दर्शन कराओ। और व्याकुल होकर सौभद्र क्या कह रहे हैं, ओ एक झलक दिखला दो मुझको पर न दिखावे इंद्राणी, एक झलक दिखला दो मुझको पर न दिखावे इंद्राणी। मांग रहे हैं प्रभु को इंद्र जी पर ना देवे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले छम छम चाले। मुझे लगता है देवराज सची इंद्राणी ने जब से तीर्थंकर प्रभु को लिया है वह देना नहीं चाहती, ऐसे नहीं देंगे, कुछ बातें बनाओ ना, मैं जो कह रहा वो कहो। हे सची मेरे इंद्र का पद ले लो, ये आभूषण ले लो, सब कुछ ले लो, पर मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करा दो। तीन लोक की संपत्ति ले लो प्रभु का दर्श कराओ ना, तीन लोक की संपत्ति ले लो प्रभु का दर्श कराओ ना। दे दो मुझे इन राणी जिन बालक अब लाओ ना। कह रहे हैं देवराज सोना ले लो चांदी ले लो मेरा मुकुट ले लो इंद्रपद ले लो सिंहासन ले लो, पर सची पता क्या कह रही है। हे स्वामी आप मुझे क्या प्रलोभन दे रहे हैं, ये सिंहासन ले लूं, ये मुकुट ले लूं, इंद्र का पद ले लूं, जो आपका है वो तो मेरा है ही, वो तो मेरा पहले से ही है, आप क्या दे रहे हो। तीन लोक की निधियां सारी आज मेरे हाथों में है, तीन लोक की निधियां सारी आज मेरे हाथों में है, नाथ त्रिलोकी आज हाथ देवराज जी। और साथ अब क्या चाहूं। देखो ऐसे बात तो आपकी बनी नहीं, अब कुछ और उपाय सोचो। हे सची आखिर में मैं तेरा नाथ हूँ, मैं तेरा स्वामी हूँ, दे दो ना जल्दी से और मर तसाओ। देवराज कह रहे हैं मैं तुम्हारा नाथ हूँ स्वामी हूँ नाथ, दे दो ना, दे दो सची दे दो। पर सची तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी समझदार होशियार है, क्या उत्तर दे रही है। हे स्वामी फिर मुझे बातों में भरमा रहे हो, ध्यान से सुनो, आप मेरे अकेले नाथ हैं, अकेले मेरे स्वामी हैं, और जो मेरे हाथों में है वो तो तीन लोक के नाथ हैं। मेरे हाथों में तो तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, भला किस बात की कमी है। तीन लोक के नाथ हैं जिसके हाथों में सो भाग्य प्रबल, तीन लोक के नाथ हैं जिसमें हाथों में सो भाग्य प्रबल। अरे नाच रही सो धर्म इंद्राणी, नाच रही सो धर्म इंद्राणी, जागे उसके भाग्य प्रबल। देवराज फिर से परेशान है, आखिरकार सोच लेते कि सची ऐसे नहीं देने वाली। सुनो एक काम करो देवराज, अरे हाथ जोड़ लो
मन में विचार करना है, त्रिलोकीनाथ भगवान मैं आपको नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। सची भूल बस सोचेगी कि मुझे ये हाथ जोड़ रहे हैं, हो सकता है, और ये इतनी जल्दी नहीं, और कैसे हाथ जोड़ के मांग रहे हैं? हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे इंद्राणी, हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं पर ना देवे। हाथ जोड़ लेते सची का दिल भी कोमल हो जाता कि स्वामी मुझे हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आ जाइए आगे, आ जाइए पूरे लेट जाइए सौधर्मेंद्र, साष्टांग। अरे कई बार लेटे हैं ये लोग, तीर्थंकर बालक को अष्टांग प्रणाम कर रहे। इधर सची भूल में है और वो कहती उठिए नाथ उठिए, ऐसा मत करिए नाथ, उठ जाइए, लीजिए नाथ ले लीजिए, हम दोनों को पावन होना है, पर गोदी से दिए नहीं जाते, सचमुच में नाथ खिलौना है। जय हो, दृश्य कह रहा है, ये दृश्य कह रहा है, भगवान संपत्ति से नहीं विनय से मिलते हैं, भगवान संपत्ति से नहीं विनय से मिलते हैं। और अब सौधर्मेंद्र 1008 नेत्रों से भगवान की उस दिव्य छवि को निहार रहा है, और सौधर्मेंद्राणी अब परिक्रमा लगा रही है। दो नेत्रों से देवराज सौधर्मेंद्र तृप्त नहीं होते, कहता भगवान देखा नहीं जा रहा अच्छे से, सर्वांग शरीर में 1000 नेत्रों का निर्माण कर रहे हैं और निरख निरख कर देख रहे हैं। सचिन राणी परिक्रमा दे रही है, निरखत है आदि कुंवर कैसे है देवराज, देखते है बार बार करे नेत्र 1000 देखते है बार बार, निरखत है आदि कुंवर कैसे ये देवरा, निरखत है आदि कुंवर कैसे। ओ यह दृश्य, सौधर्मेंद्र तो आज निरख रहा है, लेकिन अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुने। परम पूज्य 108 आचार्य भारत भूषण जी महाराज ने गोविंदपुरी जैन समाज के सपने को साकार किया है, और ताली आप लोग ही बजा सकते हैं क्या? अपने ही सपने को साकार होने में ताली बजाओगे? अरे दूसरों के सपनों के साकार होने पर ताली नहीं बजाते, उनके सपने भी फिर कभी साकार? तो महाराज ने सभी लोग बैठ जाएं जो पांडाल में खड़े हुए हैं, सब लोग बैठ जाएं। व्याप्त हैं उन सबने महाराज जी के संकेतों को समझकर इस स्वप्न को साकार करने का संकल्प किया, और आज जिन मंदिर बन करके तैयार है। कल हम जब बेदी शुद्धि कर रहे थे उस समय भी मेरा हृदय भीग रहा था। हृदय इसलिए भीग रहा था कि कल इस मंदिर में आकर कितने दिगंबर साधु आकर दर्शन करेंगे, कितने साधु यहां से आहार चर्या को उठेंगे, कितने भव्य श्रावक यहां आकर पूजन करेंगे, कितने भव्य श्रावक यहां आकर स्वाध्याय करेंगे, सामायिक करेंगे, उन सब का पुण्य का छठवां हिस्सा उन सब लोगों को भी मिलेगा जिन लोगों ने कृत कारित अनुमोदना से इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सांप पिटारे में हो तो देवता नजर आता है, रोली चंदन से पूजा जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसे दूध पिलाया जाता है, लेकिन वही सांप घर में निकल आए तो काल नजर आता है, मिर्ची की धुनी से भगाया जाता है, और ना भागे तो फिर आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, आप सुनना नहीं चाहते। ऐसे ही मनुष्य का मन है, यदि मनुष्य का मन संयम के पिटारे में रहे तो मनुष्य धरती पर देवता कहलाता है, कभी महावीर तो कभी राम कहलाता है, और यदि संयम के पिटारे के बाहर निकल आए तो रावण कौरव कंस की तरह दुत्कारा जाता है। हमारा मन
रावण कौरव कंस के खेमे में जाकर शामिल ना हो जाए, इसीलिए परम पूज आचार्य भारत भूषण जी महाराज जी ने जिन मंदिर का दिव्य और भव्य ये निर्माण यहाँ पर संपन्न हुआ, एक बार उन सबके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इस मंदिर के बनने में योगदान दिया है। अब पांच मिनट महाराज जी आप आशीर्वाद दे दें, अपनी भावनाएं व्यक्त कर दें और फिर उसके बाद हम कौन पुण्यशाली श्रावक होगा जो जिन मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान करेंगे शिखर पर अपने कर कमलों से कलशारोहण करेंगे, और आज कौन पुण्यशाली होंगे जो कलशों से पांडव शिला पर भगवान का अभिषेक करेंगे। मैं आप सबकी ओर से पर्दे का सौंदर्य इसी में है कि समय रहते दृश्य और दृष्टा के बीच से अलग हो जाए। दृश्य से दृष्टा की यात्रा है ये जैन धर्म, रत्न से रत्नत्र की यात्रा है ये जैन धर्म, पदार्थ से परमात्मा की यात्रा है जैन धर्म। उस महान धर्म का दिग्दर्शन करने के लिए मैं परम पूज्य 108 आचार्य भारत भूषण जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूं। महाराज जी अपनी मंगलवाणी से हमें कृतार्थ करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। बोलो ब्रह्मभूषण जी महामुनिराज, एक तो जो पंडाल में खड़े हुए हैं शर्म आनी चाहिए आपको, जितने भी खड़े हुए जाएंगे अपने अपने स्थान पर जो हमारी बात सुन रहे हैं, ये बीच में बच्चे कुछ बात कर रहे हैं या तो इन्हें बाहर निकल जाएं या अंदर बैठ जाएंगे। ये जो बच्चे खड़े हुए कहां से आए, कौन कर्मचारी वगैरह बाहर, जैसा कि आज आप देख रहे हैं पंच कल्याणक का एक जन्म उत्सव वाला दिन है और मैंने सुना है कि पांचों कल्याणकों में तीर्थंकर के सबसे ज्यादा सुख समृद्धि बरसती है तो वो जन्म होने पर बरसती है, क्योंकि नरकों में भी क्षण भर के लिए उस दिन क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, साता। और तो मैंने कहीं शास्त्रों में पढ़ी नहीं कि और किसी दिन ऐसा होता हो। नरकों में भी जन्म होते ही तीर्थंकर के क्षण भर के लिए साता हो जाती है, सारे नार की आप उसमें ऐसी भावना बन जाती है कि एक दूसरे को कोई भी मारने को तैयार नहीं होता वो क्षण भर का टाइम, एक सिर्फ तीर्थंकर के जन्म की ये बात होती है। और इसी क्षण को लेकर के देखो, अगर ऐसा ना होता तो जन्म कल्याणक के दिन ही इतने लोग आते हैं और किसी भी कल्याणक के दिन नहीं आते, ये पता है आप लोगों, आप भी अरे ये बताओ जन्म कल्याणक कौन से दिन है, उस दिन जाएंगे। तो कहने का मतलब इस ये जो दिन है जन्म का कुछ खास है, और वो खास क्यों है, क्योंकि जन्म से जन्म के बाद ही सारी क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। जब जन्म नहीं होगा तो फिर तप कैसे होगा, तप नहीं होगा तो केवल ज्ञान कैसे होगा, और केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा। तो यहां अब गर्भ में तो बालक छिपा हुआ है किसी को नहीं पता, लेकिन दुनिया को तो जन्म के बाद ही पता चलता है कि कोई ऐसा जीव आया है जो समस्त विश्व को आत्मा से परमात्मा बनने की कला दिखाएगा। और जो आप यहां पर स्टेज पर ये प्रोग्राम देख रहे हो, ये सब कुछ देख रहे हो, वो यहां समस्त मोदी नगर के पुण्य का उदय है, क्योंकि पंच कल्याणक की तैयारियां, पंच कल्याणक होना कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं है, इसमें समस्त
समाज का उपयोग होता है, समस्त समाज की भावनाएं होती हैं और उनकी क्रियाएं होती हैं, तब जा करके पूर्ण हो पाते हैं। साथ ही साथ मंदिर निर्माण हुआ, पंचकल्याणक हुआ, ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। सिर्फ यहाँ पर 10-15 घर हैं, वो इतना सब कुछ कैसे कर रहे हैं गोविंदपुरी में, इसका आप एक वो लगाएं आंकड़ा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। सो बिना भगवान के भक्तों के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये भी आप जानते हैं। यहाँ सुशील कुमार जी भी बैठे हैं और भी सब बैठे हैं, इधर गन्नौर से राजेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। तो बिना भक्तों के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता और सबने अपनी पूरी ताकत लगाई है। अब जो है मंदिर का आखिरी, जिसे बोलते हैं, फल मिलने वाला है इन पंच कल्याणकों के माध्यम से। सो जो चीजें यहाँ पर मंदिर के लिए रह गई हैं, उस सजावट के लिए जिन्होंने अपना योगदान नहीं कर पाया है या और करने की भावना है, वो यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य जी अभी आपके सामने सभी बात रखेंगे, उसको पूरा करके इस मंदिर को भव्य बनाएं और साथ से पुण्य का लाभ लें। इति शुभम। एक माइक और है ना, बस 333 रुपया। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जहां पहले से ही हजारों दिए जल रहे हो, वहां किसी अंधेरी कुटिया में दिया अंतर को प्रकाशित कर देगा। हम प्राय जिस मंदिर में पहले से ही भीड़ लगी हो, वहां और भी भीड़ बढ़ जाती है, कोई मंदिर सूना भी बना रहता है। अरे अंधेरे कोने में जलाओ दिया, किसी भूखे को खिलाओ, रोते को हंसाओ, किसी गिरे को उठाओ, इसी का नाम है जैन धर्म। दो रोटी हो, दो भाई हो, मिलकर खा ले धर्म, लेकिन तीसरे अतिथि को उसी में से मिलकर खिला दें, इसका नाम है जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म। बोलिए 3,33,000 रुपया। स्वीकृता करिएगा 3,33,333 रुपया। 2,51,000 वाले सोच लें, विचार लें, कहीं ये अवसर हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि श्रावक श्रेष्ठ को कहा गया है खूब कमाओ रुपया पैसा, खूब कमाओ रुपया पैसा, खूब कमाओ हीरे मोती, पर दान भी खूब दिलों से देना, कफन में जेब नहीं होती। दान भी खूब दिलों से देना, कफन में जेब नहीं होती। 3,33,333 रुपया। भाई भक्त लोगों, विचार कर लो, अंतिम बार पूछ रहा हूं, अंतिम बार देख रहा हूं, ये मौका आपको दोबारा बार बार प्राप्त नहीं होगा। और कलश के साथ ये ध्वज भी शिखर पर लगेगा, अतः मन बनाए, भाव बनाए, वरना मैं इस बोली को अब फिर 3 करने जा रहा हूं। कितने युग बीत गए संकल्प विकल्पों में, जी कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। सीखता करिएगा, आप देख रहे हो ये गगन चुंबी विशाल का है, अपने आप में विशेष महत्व लिए हुए। जैसे राजा होता है ना, राजा बिना मुकुट के शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार जिनालय मंदिर बिना शिखर के शोभा नहीं देता। ऐसे पावन मुकुट को आपको धारण कराना है, शिखर चढ़ाना है। 3,33,333 रुपया। एक हाथ में नहीं है वो, सोच लें भाई, 2,51,000 एक बार पुनः सोच लें। चंद दिनों का जीना रे बंदे, ये दुनिया कोई और है, कोई है सा परिवार सहित जोरदार तालियां। सकल दिगंबर जैन समाज उनका बहुमान सम्मान कर रही है, जिन्होंने शिखर चढ़ाने की बोली, ध्वजा लगाने की बोली यहां पर प्राप्त की है। अरे क्या ऐसे पापड़ से तोड़ते हो, तहे दिल से जोरदार ताली बजाइए। हो श्रीमान जो आप पधारे, हो बड़े भाग है आज हमारे, हो श्रीमान जो आप पधारे, बड़े भाग
है आज हमारे, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। हमारे जो चारों कलश प्राप्त करने वाले पुण्यशाली श्रावक हैं, उनके नाम भी हमारे पास तक पहुंचा दें, उनका भी अभिनंदन करें, उनको ही बुलाएं। और एक और सूचना आई है, में प्रभु है बसता, प्रभु बनने की सब सर्वप्रथम धर्मपाल जी, जिन्होंने चारों कलश लिए हैं, सर्वप्रथम धर्मपाल जी परिवार, दूसरा विवेक आ जाए, जिन्होंने चारों कलश की बोलियां ली हैं 51,000 वाले, वो भी पधारे और हमारी समाज उनका बहुमान सम्मान करना चाहती है, शीघ्र शीघ्र। और अब समय है इस स्वागत अभिनंदन के साथ साथ हम उन तीन कलशों की भी बोली करें जो आज पांडुक्सला पर, आदरणीय धर्मपाल जी जैन साहब द्वितीय कलश, गौरव जैन मुजफ्फरनगर वो भी पधारे, आदरणीय नितिन कुमार जी, श्रीमान गौरव कुमार जी, धर्मपाल जी आवाज नहीं मुजफ्फरनगर, जो निरंतर मुजफ्फरनगर वाले हैं, गुरु चरणों में समर्पित हैं, धर्म की साधना में सहकारी हैं, श्रीमान धर्मपाल जी आपका भी मोदी नगर जैन समाज हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अखिलेश भाई बाबूजी द्वितीय कलश वाले, भैया गर्व धुन सुनाना मन मंदिर से नहीं कम, स्वागत हो रहा है। हेलो, बहुमान सम्मान हमारी समाज कर रही है ऐसे धर्म सृष्टियों का, जिन्होंने मुख्य कलश ध्वजा की और चार कलश और चढ़ाने की आरूढ़ करने की बोली ली है। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहां पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फो, मन अपना बिछाए हम। चलें, जिनका स्वागत हो गया वो आकर महाराज जी के पास बैठें, जिनका स्वागत नहीं हुआ है मतलब जो नीचे बैठे हैं, हम भावना बांधते हैं कि आपके जीवन में भी कभी ऐसा पुण्योदय आए, आप भी कलशारोहण करें और आप भी अपने सौभाग्य को जगाएं, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामना है। चौथे कलश वाले भी भैया रह गए, आपको भी आगे बुला लीजिए, शिव कुमार जी परिवार आ जाइए भैया जी, प्रथम जन्माभिषेक कलश और आइए। ओ हो, एक बार इस कलश का दिग्दर्शन कर लीजिएगा, ऐसा पावन पुनीत मंगलकारी कलश जो नौ रत्नों से सुशोभित है, पंच रत्नों से सुशोभित है और स्वर्णमयी कलश है। प्रथम कलश, बड़ा कलश, सबसे श्रेष्ठ कलश, वह कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो प्रथम कलश देवराज सौधर्मिंद्र के बाद तीर्थंकर बालक ऋषभ कुमार के ऊपर अभिषेक करके ये कलश अपने घर ले जाएंगे। तो आइएगा ऐसे पावन पुनीत प्रथम मंगलकारी कलश को ले जाने के लिए कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जो बोली लगाकर इसे हासिल करेगा। आइए कहां से शुभारंभ करें, पहले बुढ़िया याद करेंगे, बुढ़िया की लुटिया याद करेंगे, गोमटेश का नभन करेंगे, गोमटेश का नभन करेंगे, पहले बुढ़िया याद करेंगे। लीजिए शुभारंभ कराइए, देखिए जब स्वर्ण कलश अकड़ने लगे, जब जब स्वर्ण कलश अकड़ने लगते हैं, जब जब महल अकड़ने लगते हैं, तब किसी झोपड़ी को रास्ता दिखाना पड़ता है, और जब स्वर्ण कलश अकड़ जाते हैं तो किसी बुढ़िया की लुटिया को चमत्कार दिखाना पड़ता है। अरे हम सब उसी बुढ़िया की लुटिया के वंशज हैं, आज भगवान का जन्माभिषेक करने जा रहे हैं, कौन सौभाग्यशाली श्रावक होगा जो आज भगवान के उस माथे पर
हिप माथे पर अपने पावन कर कमलों से जन्माभिषेक करेगा। बोलिए सब क्या बोला जाए। हर्ष नीर छलके पात्र भरे जलके, हर्ष नीर छलके पात्र भरे जलके, पतझड़ में मिल गई सावन की फुहारे। हर्ष नीर छलके शीघ्रता करिएगा। देव आपको पता है सौ धर्मेंद्र के अलावा कोई तीर्थंकर बालक पर अभिषेक नहीं करते, पर ऐसे आचार्य श्री ने दया दिखाते हुए कहा है कि चलो आप सौ धर्मेंद्र नहीं बन पाए बोली लेकर, पर ये कलश लेकर कुछ क्षण के लिए कुछ पल के लिए देवराज सौ धर्मेंद्र बनकर तीर्थंकर प्रभु के ऊपर अभिषेक करने का ये स्वर्णम अवसर आप सभी को मिल सकता है। आइए देवराज भैया शुरू कराइए, बोली प्रारंभ कराइए। स्वर्ण कलश की बोली प्रथम कलश देवराज के बाद प्रथम अभिषेक करने का ये पावन पुनीत अवसर। हाँ भैया पहले बोली लगवा लीजिएगा, पूछिए लोगों से श्रावक सृष्टियों से सच्ची कहा है लोगों ने। 51,151 रुपया, 51,551 रुपया। भैया आप सभी अगर मंच पर ही बैठ जाएं तो बोली अच्छे से हो पाएगी। लोगों से 51,151 रुपया एक बार, 51,151 रुपया दो बार, और ये बोली जा रही है। शीघ्रता करिएगा, बोली जा रही है। आप लोग यहाँ ना खड़े रहे मंच पर भैया, आपस में मिलें, देखें, बात करें, कोई तुम्हारा परिचय तो उसको फुसलाएं, मारे तरफ देख रहे हैं। 51,551 रुपए कहा गया है, क्या कहा गया है? बिना मांगे दान नहीं मिलता, बिना मांगे दान नहीं मिलता, और बिना दिए सम्मान नहीं मिलता। यूं तो एकलव्य को भी गुरु बनाने पड़े भले ही मिट्टी का क्यों ना हो, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अरे गुरु मिट्टी का भी हो तो कमाल करता है। जय हो। गुरु मिट्टी का भी हो तो कमाल करता है। गुरु बेटा हो कोसों दो
अब तो भैया देख लो इधर मम्मी यही रुक रही है आप चूल्हे के पास खड़ी गए हैं बड़ाला यार वेरी गुड वेरी गुड निकाल लो।
जा उसकी वो बैठी हुई है तेरी, चला जा। अभी से क्या बैटरी ले आ यार, बैटरी लो भाई, मैं बैटरी तेरे को दी थी वो कहां चली गई? क्या बस पैर अभी पे साल लात में जब पूछे मारी बता रहे हैं तीन है, एक डाउन है, एक डाउन है ना, और तो तेरे में ही मौका नहीं वो रवि पे, रवि से लेना भैया।
लिया भाई? ले तो लिया, फोटो इधर लीड पड़े होगे इस वाले जम में। बैटरी भी ले लियो। बैटरी तुम्हारे पास है? बैटरी तो मेरी वाली चार्ज है वो तो। ला चार्ज दे दे, ये ले जा फेल वाली। ये भी तो फेल ही है। ये ले जा फेल जब तक। ना शायद दूसरी चार्ज है वो फेल है। देख लो ये लगा लो फिर तो। हेलो। Thank you.
चार उठा आपकी। वोटू तो आ गए होंगे शायद, अपने व्हाट्सएप नंबर चेक करियो। हाँ
वीडियो ले ली। सारी माताएं हैं।
सारी माताएं हैं। चलाने पर भी अब यही गान तो रखने भैया अरे नजरा साइड से हेलो
बेटा साइड में है ना, साइड में। बड़ा भाई बड़ा बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी निकल गए।
ये तो सुनिए आपने ये प्यारा सा जैन भजन सुना और दोस्तों किस कर रहे थे हमारे और भारत बैंड की जमीन बढ़ाता हूँ बड़ा Oh,
Oh, okay.
पिछा